हेलो हाय फ्रेंड, मैं मयूर आपको आज बताने जाने वाला हूँ। ये वैगन आर केसरीज इंजिन है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो कैसे नहीं हो रहा है, चल लगाओ। लगाओ छोड़ी, लगाओ छोड़ी, लगाओ बस। देखो आप ऐसे कर रहा है, इसका वोल्टेज का प्रॉब्लम है बैटरी का। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। लगाओ सेल, ये 12 वोल्ट है, ये 7 पे जा रहा है, वो 7 पे नहीं जाना चाहिए। लगाओ बस 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 बस, ठीक है ना। तो हम बैटरी चेंज करके देखते हैं अब उसको क्या हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाया कि वैगन आर स्टार्टिंग ट्रबल क्या है। वैगन आर जब ठंडी गाड़ी होती थी सुबह में तो स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन 15-20 किलोमीटर जाने के बाद वो जब गर्म होती थी तो स्टार्ट नहीं होती थी। इसका प्रॉब्लम मेन उसकी बैटरी में था, हमने वो आपको दिखाया। जैसे ही बैटरी स्टार्ट लगाते हैं हम, तो बैटरी का 12 से 13 वोल्ट 10 तक जाना चाहिए, लेकिन इस बैटरी में 7 तक जाता था, वो गलत है। तो हमने बैटरी चेंज कर दिया, उसके बाद भी आपको दिखाया कि वो जब स्टार्टर लगाते थे तो बैटरी का वोल्टेज 11 और 10 के बीच में रह जाता था, तो वैसे ही होना चाहिए। हमारे बैटरी का 3 या 4 ईयर्स का लिमिट होता है, लेकिन ये बैटरी पुराना हो गया था, हमने बैटरी चेंज किया ताकि आप सबको पता चल गया। हमारा वीडियो बना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बंद कहीं लगा, देखो मीटर में ये बस कंप्लीट हो गया है ना। अब गाड़ी गर्म था, अब 10 वोल्ट से नीचे जा नहीं रहा है। पहले बैटरी वीक था, हमने ये नया बैटरी डाल दिया है। ये बैटरी वाले रमेश भाई है, जबरदस्त काम है इनका, इतनी स्माइल बढ़िया, इतना ही काम बढ़िया है। लगा, परफेक्ट हो गया ये अब। लगा, पैसा कमा मालूम होगा।